हेलो एवरीवन, नूतन स्वर डीएम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है। आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ ये आप सबों को बहुत पसंद आने वाला है। भयंकर से भयंकर सिर दर्द हो या फिर पुराना से पुराना माइग्रेन का प्रॉब्लम हो या फिर आंखों में कमजोरी हो, ये सभी चीज़ को बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यार से ठीक कर देती है। फ्रेंड, इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा आपका कब माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आंखों की कमजोरियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही सिर दर्द, पुराना से पुराना सिर दर्द भी आपकी यूँ छूमंतर हो जाएगी। ये रेमेडी कितना जादुई है, आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ये ठीक कर सकती है। इसके साथ ही जिसे माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं है या सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस लड्डू को यदि ये खाते हैं तो उन्हें भी काफ़ी फायदा करने वाली है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्रोटीन से भरी हुई, विटामिन से भरी हुई लड्डू है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इस लड्डू को बना के महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। आई होप आप सबों के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने एक बॉल यहाँ सफ़ेद तिल लिया है। ये सफ़ेद तिल है और इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसे एकदम लो फ्लेम में आपको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। जब इससे हल्का सा चट-चट की आवाज़ आने लगे तब हमें समझना है कि ये हो गई है। अच्छे से आइए, जब तक ये भुनाती है तब तक इसके गुणों के बारे में जानते हैं। तिल तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रिसर्चों के अनुसार ये पाया जाता है कि तिल में जो तेल पाया जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है, यानी कि ये दिल की बीमारियों से आपको दूर रखती है। साथ ही ये खून की मात्रा को सही बनाए रखने में भी मददगार होती है। बालों और त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। तिल में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाती है जिसके कारण ये आपके शरीर को एनर्जी और चुस्ती फुर्ती से हमेशा भरा हुआ रखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं इसके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये तिल ये बहुत अच्छे से भुना चुकी है। ये देखिए इसका हल्का कलर चेंज भी हो गया है, तो ये अब हो चुकी है। तो मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, रख दी हूँ। अब दूसरा बार जो भूनना है वो है मूंगफली। मूंगफली को भी उसी कटोरी से मैंने मापा है, यानी उसी बाउल से मैंने एक बाउल मूंगफली लिया है। मूंगफली में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसे भी उसी तरह से हल्का हल्का भून लेना है। जब इसके छिलका छूटने लग जाए तब आपको ये समझना है कि अच्छे से भुना चुकी है। तो इसे मैं अच्छे से भून ले रही हूँ और साथ ही साथ इसके फायदे भी मैं बता देती हूँ। मूंगफली गुणों का भंडार है। मूंगफली आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि हृदय रोग का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आप रोज एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करते हैं तो आप कई रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। मूंगफली में मौजूद तत्व पेट से जुड़ी हुई कई समस्याओं से आपको राहत देने में मदद करती है। इसके साथ ही ये शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। इसका नियमित सेवन से कभी भी खून की कमी नहीं है। यदि आप दूध नहीं पी सकते हैं तो दूध के बदले आप इसका सेवन करिए, ये उसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये उतना ही फायदेमंद होती है जितना दूध और बादाम होता है। ये उसके जगह में आप बस इसे ले लें तो वो दोनों का प्रोटीन आपको इसी से मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये तो अच्छे से भुना चुकी है। ये देखिए इसका छिलका छूटने लग गया है। तो अब मैं फ्लेम को बंद करके इसे भी ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में रख दे रही हूँ। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है यहाँ सूखा हुआ नारियल लेना है। ये देखिए सूखा हुआ नारियल को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। तो ज़्यादा नारियल नहीं लेना है, बस एक कटोरी ही लेनी है। सबका मात्रा आपको एक ही रखनी है। तो वही एक कटोरी से मैंने, जिस कटोरी से मैंने तिल और मूंगफली को मापा था ना, बस वही कटोरी आपको एक कटोरी सूखा नारियल ग्रेट करके ले लेना है। तो ये देखिए इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं फ्लेम को बंद कर दी हूँ। बस कढ़ाई यहाँ पर गर्म है हमारा, तो उसी में हल्का हल्का भून लेना है क्योंकि ड्राई कोकोनट को उतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये हो गई है, बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ये जो भून के मैंने तेल रखा हुआ था वो भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे हल्का दरदरा पीस लेती हूँ और ये जो मूंगफली है इसका भी मैंने छिलका हल्का फुल्का हटा लिया है और इसे भी मोटा मोटा हल्का दरदरा ही पीसना है। तो दोनों को मैं पीस लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लिया। ये दरदरा ही मैंने पीसा है, ये देखिए। और अब देखिए मैं मूंगफली को भी मैं पीस लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे मैं पीस ले रही हूँ। तो हल्का दरदरा ही आपको पीसना है, बहुत ज़्यादा इसे मीन नहीं करनी है।
तो ये देखिए ये भी रेडी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये सर दर्द को दूर करती है, आंखों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये सूखा नारियल मैं ऐड कर रही हूँ अभी जो भून के रखी थी। ये भी माइग्रेन के प्रॉब्लम को, सिर दर्द के प्रॉब्लम को और आंखों की कमजोरियों को बहुत ही आसानी से ठीक करती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ स्वाद के लिए आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इलायची पाउडर डाल दिया और ये सभी को मैं मिक्स कर लेती हूं। सभी को मिक्स करने के बाद यहाँ पे गुड़ को ऐड करना है। यहाँ चीनी और घी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, जन होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये 3 कटोरी मैंने लिया है, तो 3 कटोरी मैंने यहाँ पे गुड़ को भी ले लिया है। ये सभी चीजों से बना हुआ लड्डू बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बन के रेडी होती है। ये देखिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, तो लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा। और कढ़ाई में मैंने गुड़ को डाल दिया और इसमें ना तो पानी यूज़ करना है, ना तो कोई तेल या घी, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। बस आपको गुड़ को ही अच्छे से पिघला लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, तो फ्लेम बंद करने के बाद अब इसे इस मिश्रण में मिक्स कर देना है। ये पिघले हुए गुड़ को मैंने यहाँ पे तिल, मूंगफली और नारियल के चूर में मिक्सचर में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसे जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है, क्योंकि इसे गर्म में ही मिलाने से ये लड्डू बहुत ही अच्छे से बनेगी। अब क्या करना है, हाथ में हल्का सा घी लगा ले। यदि आपको लंबी समय तक के लिए रखनी है तो आप इसे घी, हाथ में घी लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्का सा पानी लगा करके भी इसका लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। तो लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज का बना सकते हैं। यदि आप इतने बड़े साइज के लड्डू बनाते हैं तो बस आपको एक लड्डू ही दिन भर में खाना है। तो इस तरह से देखिए सभी लड्डुओं को मैंने इस तरह से, देखिए इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो मैं देखिए सभी लड्डुओं को अच्छे से बना करके रेडी कर ली हूँ। तो सभी लड्डू रेडी हो चुकी है। अब इस लड्डू को आपको रोजाना एक ठोखाना है, बस एक लड्डू आपको रोजाना खाना है। आप देखेंगे कि माइग्रेन का प्रॉब्लम आपका एकदम दूर हो जाएगा, सिर दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। अब कभी भी आपको सिर दर्द नहीं होगी। भयंकर से भयंकर सिर दर्द और पुराना से पुराना माइग्रेन के प्रॉब्लम को ये बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। मुझे विश्वास है ये रेमेडी आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आजमाई हुई रेमेडी है, बहुत ही जल्दी वर्क करती है। इसकी तो मैं एकदम गारंटी लेती हूँ कि ये बहुत जल्दी वर्क करती है और पुरानी से पुरानी माइग्रेन, पुरानी से पुराने सिर दर्द के प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। इसका एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इसका एक बार ट्राई करके देखिए इस रेमेडी को, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को, ताकि उन्हें भी उससे फ़ायदा मिले, भी अपने सिर दर्द के प्रॉब्लम से, अपने माइग्रेन के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड, ताकि मेरी मोटिवेशन बने रहे और मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आ सकूं जो बहुत ही आसान, घरेलू और बहुत ही सस्ती होती है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% हेल्दी है और इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।